सिर्फ गाजियाबाद पुलिस जिसने एक ही रात में 3 एनकाउंटर किए। अब आपको इटावा पुलिस की कारगुजारी दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि इटावा की जेलों में पुलिस कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है और क्या काम कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। पहले उन्नाव, फिर मऊ और अब इटावा के बाद लखनऊ जेल के सामने आ रहे मौज मस्ती और आपत्तिजनक वीडियो को देखकर तो लगता है कि ना तो यूपी के अपराधियों को पुलिस प्रशासन का कोई खौफ है और ना ही पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अपना फर्ज निभा रही है। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर जेल के अंदर अपराधी बेखौफ होकर हथियार लेकर घूमता है, जैसे ये कोई कारागार नहीं बल्कि उनके मौज मस्ती की जगह हो, और अधिकारियों को रटा रटाया जवाब हमेशा की तरह मिल जाता है। जांच होगी, जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। प्रमाणिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हो सकी है, तथापि हर सोशल मीडिया की में आई हुई चीजों को संज्ञानित किया जाता है सच्चे विस्तर से, उसकी जांच की जाती है। जांच में अगर कुछ भी ऐसे तथ्य आते हैं जो सच्चाई में होते हैं और जहां पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता होगी उसमें तत्परता से प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जहां जहां पर इस तरह के प्रकरण प्रकाश में आए हैं वहां वहां पर पुख्ता कार्रवाई की गई है और प्रिवेंटिव एक्शंस भी समय समय पर लिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी के द्वारा समय समय पर विभिन्न जेलों में आकस्मिक निरीक्षण किए जाते रहे हैं और जो भी इसमें रेक्टिफिकेशन और जो भी सुधारात्मक कार्रवाई है वो समय समय पर की जाती है। ताजा मामला इटावा जेल का है जहां पर कैदी अपने बिना चेकिंग कराए अपने सामान को लेकर जेल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। साथ में वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि जेल के अंदर बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा है। अगर इस वक्त उत्तर प्रदेश की जेलों की बात करें तो इटावा, मऊ, उन्नाव जेल का मामला इसी महीने सामने आ चुका है और 3 जेलों के अंदर नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई वायरल वीडियो सामने आई है, लेकिन कार्रवाई किसी पर अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या ऐसे ही यूपी को क्राइम फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं सीएम योगी, क्योंकि यूपी पुलिस की मुस्तैदी और जेलों से आ रही इन तस्वीरों को देखकर तो कतई ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है और ना ही लगता है कि जेल मंत्री से लेकर तमाम आला अधिकारियों को इन तस्वीरों से कोई भी फर्क पड़ता हो। उत्तर प्रदेश की जेलों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री जय प्रकाश सिंह जैकी का लगातार यही बयान आ रहा है कि जेल में जिस तरीके से कड़ाई बढ़ाई जा रही है उसके बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है, मगर अभी भी सवाल बने हुए हैं कि आखिर जेल के अंदर मोबाइल किस तरीके से पहुंच रहा है। जिस तरीके से आज इटावा जेल की वीडियो वायरल हुई थी, वहीं कल मऊ जेल की आई थी, इसके पहले उन्नाव जेल की आई थी, लगातार उत्तर प्रदेश की जितनी भी जेलें हैं वहाँ से वीडियो वायरल हो रहे हैं और उसमें दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से आपत्तिजनक वस्तुएं जेल के अंदर आ रही हैं उस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। आखिर जेल प्रशासन क्यों सो रहा है, जेल मंत्री क्यों सो रहे हैं और जेल के तमाम जो आला अधिकारी हैं वह उत्तर प्रदेश में क्यों सो रहे हैं।